गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम पंचमय पाठ है जो पढ़ रहे थे उसको कंप्लीट करते हैं। हम हमारा चैप्टर कौन सा है? फिफ्थ है, पंचमय पाठ है। इसका हेडिंग क्या था? त्वं युवां यूयम्। मैंने पिछले वीडियो में आपको समझाया था त्वं युवां यूयम्, ये कौन से सर्वनाम शब्द है? मध्यम पुरुष के। एक होता है प्रथम पुरुष, एक मध्यम पुरुष, एक उत्तम पुरुष। प्रथम पुरुष में क्या क्या बताए थे? स, तौ, ते। मध्यम पुरुष में बताया था त्वं युवां यूयम्, और उत्तम पुरुष में अहम् आवां वयम्। तो मध्यम पुरुष, इनका मीनिंग क्या बताया था? हिंदी अर्थ क्या बताया था? तुम का मतलब तुम एक के लिए, युवां तुम दो, और यूयम तुम सब। ये तो है सर्वनाम शब्द। फिर आपको मैंने ये भी बताया था कि स, तौ, ते, अस्ति, स्त, सन्ति, बताया था। पहले आप इसी को समझिए थोड़ा सा। अस्ति, स्त, सन्ति, ये अस धातु है। अस्ति का मतलब है, एक के लिए आ रहा था, स, तौ, ते। जहां स आता है वहां अस्ति लगाते हैं, तौ आता है वहां स्तय लगाते हैं, और ते आता है वहां संधि। ये भी मैंने आपको पहले बताया था। इतना आ रहा है समझ में? अस धातु से स जहां आता है सेंटेंस, वहां अस्ति लगता है। जैसे स बालक अस्ति, वह बालक है। वे दो बालक हैं, तौ बालक स्तय, और वे सब बालक हैं, ते बालक संधि। अब तुम के साथ क्या लगता है? तुम युवम युवन के साथ इस धातु को हम पूरा करेंगे, अस्ति, स्त, संति, फिर लगता है असी, स्थ, और सत। तू एक है, तुम दो हो, तुम सब। वह एक है, वे दो हैं, वे सब है, इनके साथ ये लगेगा, तुम असी, युवाम, स्थ, यूयम, सत। अस्मि, स्वस्मै किसके साथ लगता है? अहम, आवाम, वयम के साथ क्या लगेगा? अस्मि, स्व, और स्मै। ये बाद की बात है, लेकिन इस चैप्टर में जो वाक्य आ रहे हैं उनके अंत में इन शब्दों का प्रयोग किया जा रहा है, ये धातु वाले। तो ये थोड़ा सा मैंने आपको बताया, अब आप देखिए इसमें हम स्टार्ट करेंगे। यहां तक कर लिया था हमने पिछले वीडियो में, तुम नदी असी, तुम बहसी, कि तुम नदी हो, तुम बहती हो। अब आज हम स्टार्ट करेंगे, चैप्टर की लाइन है युवाम वृक्षौ स्थ। अब आप समझना एक बार, मैंने क्या बोला? युवाम, युवाम ये शब्द है, देखो सेंटेंस देखना। युवाम वृक्षौ स्थ। अभी भी मैंने आपको धातु बताया था कि ये तो हो जाएगी प्रथम पुरुष की, ये हो जाएगा मध्यम पुरुष के लिए, और ये होगा उत्तम पुरुष के लिए, ठीक है। अब आप देखिए, तुम तो एक के लिए आता है, युवाम तुम दो, और युवम तुम सब। तो युवाम के साथ यहां पर क्या लगा है? युवाम वृक्षौ स्थ। अब यहां देखो आप धातु में, मध्यम पुरुष में तुम के साथ क्या लगेगा? असी, युवाम के साथ स्थ, और युवम के साथ सत। तो यहां युवाम आ रहा है, यहां स्थ आ रहे, ये स्थ आ रहे, ये युवाम, ये स्थ। तो युवाम वृक्षौ स्थ, तुम दो वृक्ष हो। इसका इंडिया क्या हो जाएगा? तुम दो वृक्ष, वृक्ष पेड़, ठीक है, तुम दो वृक्ष हो, पेड़। इसी तरह आगे देखिए, युवाम सर्वदा तिष्ठत। तिष्ठ का मतलब होता है खड़े रहना, ठहरना, रुक जाना, हिलना डुलना नहीं। तो युवाम सर्वदा तिष्ठत, युवाम सर्वदा, सर्वदा अव्यय शब्द है, सर्वदा का क्या होता है? हमेशा, सदा। तिष्ठत है, तिष्ठ धातु है,
तो ये देखो स्थै लग रहा है, तिष्ठतै, स्थै तिष्ठ धातु के साथ स्थै लगा, तिष्ठतै। युवा तुम दोनों, तुम दो वृक्ष हो तो तुम दोनों क्या करते हो, तुम दोनों हमेशा खड़े रहते हो। ये वृक्ष खड़े हैं यहाँ पर, तो ये लड़की क्या कह रही है कि तुम दो वृक्ष हो, तुम हमेशा खड़े रहते हो। युवाम सर्वदा तिष्ठते, तुम हमेशा सदा खड़े रहते हो। नेक्स्ट है युवाम चटकिस्थ है, चटका कर क्या होता है था आपको पहले चैप्टर में आ चुका, चटका होती है चिड़िया। युवाम चटके स्थ, चटका स्त्रीलिंग है, चटका चटके चटका हा। तो युवाम चटके स्थ है, तुम दो चिड़िया हो। युवाम उत्पत्त है, युवाम उत्पत्त क्या होता है उड़ना, तो उत्पत्त युवा उत्पत्त है। अब इसका इंडिया क्या हो जाएगा, तुम दो चिड़िया हो, तुम क्या करती हो, तुम उड़ती हो। युवाम पुष्पस्थ है, युवाम विकसत, युवाम पुष्पे, पुष्प क्या होता है फूल, पुष्पे स्थ है युवाम विकसत, विकसति विकसत है, विकसंति विकससी विकसत है, तुम दो के साथ क्या आएगा विकसत है, तो युवाम विकसत, युवाम विकसत है, विकसित खिलना, फूल क्या करते हैं खिलते हैं, तो तुम दो फूल हो, तुम दो फूल हो, तुम क्या करते हो, तुम दोनों खिलते हो। फूल तो खिलता ही, ठीक है, तो विकसती विकसत है, विकसती का मतलब खिलना, ये दो फूल हैं, इनको बोला जा रहा है तुम दोनों खिल रहे हो, खिलते हो। नेक्स्ट सेंटेंस हमारा यूयम चित्रकारस्थ है। अब यहां सेंटेंस चेंज हो रहा है, देखिए कौन सा वचन आ रहा है, यूयम, ये एक वचनम था, ये द्विवचनम है, ये बहुवचनम है, तो यूयम चित्रकारा सत, यूयम चित्रम कुरुथ, यूयम चित्रम कुरुत, करोति कुरुत कुर्वन्ति, क्रि धातु है, कुरुत, तो इसका इंग्लिश क्या हो जाएगा, यूयम, इसका क्या होगा, तुम सब, तुम सब क्या हो, चित्रकार हो, चित्र बनाने वाले हो, तुम सब चित्रकार हो, बहुवचन आ गया, तुम सब, तुम सब क्या करते हो, तुम सब चित्र बनाते हो। चित्रकार क्या करता है, चित्र बनाता है, तो क्या कह रहे हैं कि तुम सब चित्र बनाते हो। यूयम सेविकास्थ, नेक्स्ट सेंटेंस है यूयम सेविका, सेविका कौन होती है, नौकरानी जो काम करने वाली होती है,
यूयम सेविका सत् यूयम गृह कार्यम एव कुरुत् यूयम गृह कार्यम एव कुरुत् अर्थ होता है ही। अब क्या है यूएम तुम सब सेविकाएं हो नौकरानी हो काम करने वाली हो तुम सब सेविकाएं हो तुम सब क्या करते हो तुम सब घर का काम ही करती हो गृह कार्यम होमवर्क होता है घर का काम तो ये क्या करती हैं तुम सब घर का काम करती हो नेक्स्ट है यूयम बस यानानी यूयम बस यानानी बस यानानी क्या बताया था आपको बस यान यान होता साधन जैसे कार यानम कार हो बस हो तो यूयम बस यानानी यूयम चलत सेंटेंस में कंप्लीट नहीं हो रहा बस यानानी तुम सब क्या हो बसे हो यूयम चलत चल धातु एक आप ये धातु रूप एक जरूर याद कर लेंगे उससे सेंटेंस सही बन जाता है जैसे चलती चलते चलंती चलसी चलत है चलत चलामी चलावे चलाम तो यूयम बस यानानी तुम सब बसे हो तुम सब चलती हो ठीक है। अभी नीचे देखो समृत दिया है आपकी बुक में आप देखेंगे समृत का मतलब याद करना इसमें क्या दिया तुम युवाम यूएम जो मैंने पहले ही लिख दिया ऊपर हेडिंग तुम युवाम यूएम इसको मतलब याद करना है आपको याद करने योग्य बातें ही इधर दिया है धातु देवी पठ धातु तो पठ धातु पठते पठत पठंती चलता है अब यह पठसी पठते पठत क्यों दिया है क्योंकि मध्यम पुरुष की एक लाइन दी है जब मैं आपको पूरी धातु बताती हूँ ती ते अंती सी थे थे आमी आवे आमन तो पठ धातु में सी थे जोड़ेंगे तो क्या बन जाएगा देखो जैसे शॉर्ट में मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था ती ते अंती एक बार इसको देख लेंगे रिवाइज कर लेंगे सी थे आमी आवे और आम है ये शॉर्ट रूप है इसका शॉर्ट फॉर्मूला है अब इसमें पठ धातु देने से पठ को हम इसमें प्लस करते जाएंगे ऐड कर देंगे पठ धातु तो पठ क्या कहती है जोड़ने से क्या बन जाएगा पठती पठते पठंती अब देखो यहां दे रखा है पठसी पठते पठत ये मध्यम पुरुष के लिए आई ये लाइन तो यहां मैं पठ इसमें जोड़ूंगी तो क्या बन जाएगा पठसी बन गए पठते ऐड करने से बन गया और पठत फिर हम उत्तम पुरुष का करेंगे उसमें करेंगे पठामी पठावे पठामे तो ये मध्यम पुरुष की एक लाइन बताई है पठसी पठते पठत अभी मैंने आपको बताया था अस्ति स्थे संति बीच वाला क्या बताया था असी स्थे सत ये इधर दे रखा है असी स्थे सत इसका मतलब हो है के लिए आ रहा है कि तुम एक हो तुम दो हो तुम सब ये तो है आपका पाठ का हिंदी अनुवाद आगे इसके शब्दार्थ एक बार ये सुन लेंगे आप और फिर हम करेंगे इसका अभ्यास करेंगे तो देखो शब्दार्थ आप जरूर अपनी नोटबुक में लिखते रहेंगे इनको याद करते रहेंगे सबसे पहले है जनक है
जनक है, जनक का मतलब मैंने आपको क्या बताया था, हिंदी अर्थ बताया था चैप्टर का, जनक का अर्थ मैंने बताया था पिता, जनक कौन होता है, पिता होता है, जनक है पिता, दे रखे आपकी बुक में, आप याद करेंगे इनको देखते हैं। अम्बा, अम्बा होती है माता, चिकित्सक है, चिकित्सक कौन होता है, डॉक्टर, तो चिकित्सक, चिकित्सक है विसर्ग लगे संस्कृत है हिंदी हो जाएगी चिकित्सक, डॉक्टर है अंग्रेजी का शब्द। वह वहन करना बहना, जैसे नदी बहती है बहती। स्था, स्था का होता है तिष्ठ, तिष्ठ धातु, स्था धातु, खड़े रहना ठहरना। उसके बाद गृह कार्यम, गृह का मतलब घर, कार्यम काम, घर, घर का काम। बस यानानी, यान, यान होता है साधन, बस यानम बसे। तुम, अभी बताया था आपको तुम, तुम एक के लिए एक वचन है तुम शब्द। आपसे पूछा जाए तुम एक वचनम द्विवचनम बहुवचनम, आप बोलेंगे एक वचनम, युवाम द्विवचनम, युयम बहुवचनम, पुरुष कौन सा है, मध्यम पुरुष। उसके बाद है तो तुम हो गया, तुम मध्यम पुरुष का एक वचन है, युवाम तुम दो मध्यम पुरुष द्विवचनम, और युयम तुम सब मध्यम पुरुष बहुवचन। उसके बाद है कुंभकारा, कुंभकारा कौन होता है, कुम्हार, कुम्हार कौन होता है, जो मिट्टी के बर्तन बनाता है, जिसको पॉटर बोलते हैं वो होता है कुम्हार। फिर है नृत्यिका, नृत्यिका मतलब नृत्य करने वाली, डांस, डांसर जो नाच करते हैं, नृत्य करने वाली नृत्यिका। फिर है नारिकेल फलम, फल, फलम आ गया तो किसका फल है, नारियल का, नारिकेल फलम नारियल का है फल है इसमें, तो नारी केल फलम नारियल, ये है आपके शब्द। अब देखिए आप अभ्यास कर आ जाए, हमारा फर्स्ट क्वेश्चन सभी एक्सरसाइज में आपको मिलेगा उच्चारणम कुरुत, इसका मतलब होता है उच्चारण करो, उसको शुद्ध पढ़ना आना चाहिए, आपको शुद्ध बोलना आना चाहिए कि आपका प्रोनाउंसिएशन जो हो रहा है वो शुद्ध है या नहीं है। तो कुंभकार है, अभी बताया था नृतिका, नारी के फलम तुम, युवा युयम, अम्बा तिष्ठत, सेविका और गृह कार्य। ये अभी मैंने इन सभी के आपको मीनिंग बताए, अर्थ भी बताए, शब्दार्थ भी हैं और इनका उच्चारण भी था। ये तो होगा आपका फर्स्ट क्वेश्चन। अब देखो सेकंड क्वेश्चन, इसमें दिया है कि चित्राणि दृष्ट्वा वाक्यानि पूर्यत, ऐसे सेंटेंस पढ़कर आप धीरे धीरे इनकी हिंदी बनाना सीखो, इन संस्कृत का मीनिंग समझ में आ जाए आपको। चित्राणी, चित्र को दृष्ट्वा देखकर, वाक्यानि पूर्यत, वाक्य पूरे कर। तो देखो अब इसमें फिल इन द ब्लैंक्स आ रहा है, ब्लैंक बकै असी। अब हम कौन सा पुरुष पढ़ रहे हैं इस चैप्टर में, मध्यम पुरुष, तो मध्यम पुरुष का एक वचन में शब्द क्या आ रहा है, तुम, तुम बकै असी, क्योंकि यहां असी भी आ रहा है तो मध्यम पुरुष में असी आता है या अस्ति आता है, ठीक है, तो तुम बकै असी। अब ये सेंटेंस हो जाएगा, बकै असी इसमें दे रखा है तो हम खाली स्थान में क्या कर देंगे, तुम फिल कर दे, खाली स्थान बकै असी। अब आप ध्यान दे लेंगे कि यहां सेंटेंस को पहचान करनी होगी, सबसे पहले हम कोई ना कोई शब्द ऐसा देखेंगे कि इसमें क्या फील करे, ये कौन सा पुरुष है, तो अस्ति आता है तो हो जाएगा प्रथम पुरुष का एक वचन, अब यहां असी आ रहा है तो ये किसमें आएगा, मध्यम पुरुष एक वचन, तो मध्यम पुरुष एक वचन में शब्द क्या आएगा, त्वम, तो यहां हम क्या फील करेंगे, त्वम बकै असी, तुम बकै का मतलब होता है बगुला, तुम बगुला हो। आगे दिया है त्वम किम, त्वम किम, अब ब्लैंक है, खाली स्थान है, अब तुम क्या, हम हिंदी का भी देखेंगे तुम क्या करते हो, तो क्रि धातु, अब तुम के साथ क्रि धातु में लगेगा करोसी, तुम क्या करते हो, अब क्या करते हो, क्वेश्चन पूछ लिया, क्वेश्चन मार्क, प्रश्नवाचक चिन्ह लगा दी। सेकंड देखिए, इसी ब्लैंक तापसा, सत, अब
अभी आपको क्या बताया था, असी स्थै सत। स्थै आएगा वो तो क्या रहेगा, द्विवचन का, और सत आएगा जिसमें विसर्ग नहीं आएंगे वो रहेगा बहुवचन का। तो इसमें क्या जाएगा, यहां हम क्या करेंगे, बहुवचन क्या है, यूयम, यूयम तापसा सत, कि तुम सब तपस्वी हो, तपस्या करने वाले हो। तो आज आप जितना मैंने पढ़ाया है उतना अपना नोटबुक में इनका हिंदी अनुवाद कर लेंगे। ये बाकी एक्सरसाइज हम नेक्स्ट वीडियो में इसको कंप्लीट करेंगे। धन्यवाद।